welcome to my channel it's me divya and if you're a fashion lover and always like to dress up then this

करते हैं इसको अलग अलग वेज में स्टाइल करने की फर्स्ट इज अ फॉर्मल लुक सो आई एम वेयरिंग एन ओवरसाइज शर्ट स्किन जींस के साथ लूज शर्ट बहुत अच्छी लगती हैं, एंड ऑल्सो इट गिव्स अ वेरी कंफर्टिंग फील स्पेशली इन समर्स I have also folded the sleeves so that it gives a balanced and a neat look. You can also tuck in the shirt from one side if you want. For accessories, I'm wearing basic studs, my watch and also carried the handbag along with nude heels. And because it's a formal look, I've kept my hair neat in a pony. You can carry this look for an office or a formal brunch.

आई थिंक इट इज़ अ मस्ट हैव इन एवरी गर्ल्स wardrobe बिकॉज यू कैन स्टाइल इट इन मल्टीपल वेज वैसे ये स्लीवलेस है इसके साथ स्लीवस भी मिली हुई हैं सो इफ़ यू वॉन्ट आप स्लीव लगवा सकते हो मैंने नहीं लगवाई हैं बिकॉज आई kind ऑफ लाइक इट लाइक दिस ओनली और अगर मैं इस कुर्ती की बात करूँ तो फैब्रिक वाइज बहुत सॉफ्ट है और इसको जो है मैं स्टाइल कर रही हूँ अपनी इस डेनिम जैकेट के साथ दिस इज़ द डेनिम जैकेट विच आई ऑर्डर फ्राम अर बैनिक और ये जो जैकेट है ना मतलब ये ज़्यादा वॉर्म नहीं है तो ऐसा कोई इसमें किसको पहन के विंटर फील्स नहीं आती आप इसको समझ में भी इजीली पहन सकते हो जैसे कि अगर हम कुर्ती के साथ डेनिम जैकेट पहनते हैं ना तो ये कॉम्बो तो मतलब बहुत ही कूल काइंड ऑफ फील देता है मतलब यू कैन इजीली कैरी दिस लुक इन योर कॉलेज और फॉर योर क्लासेज क्योंकि ये बहुत डिसेंट लुकता है सो या दिस इज वन लुक विच आई हैव क्रिएटेड यूजिंग द डेनिम जैकेट एंड दिस लॉन्ग कुर्ती ऑल्सो आई हैव वन मोर कुर्ती विच है विद माई वाइट जीन्स एंड दिस इज़ द रेड वन इसका मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर करा है इट लुक्स लाइक दिस बहुत ही कमाल की और स्टाइलिश कुर्ती है ये प्लस इसका यहाँ पे एक फ्रंट कट दिया हुआ है जिससे ये ज़्यादा कुर्ती तो नहीं एक ड्रेस काइंड ऑफ फील देती है बट ओवरऑल बहुत सुंदर लुक है पीछे बैक पे इसके ये बेल्ट भी दी हुई है सो मतलब एकदम क्लीन ताकि नाइस सी फिटिंग आ जाए इसकी और कलर रेड है तो मेरी वाइट जीन्स के साथ तो बहुत ही मस्त जा रही है ये प्लस आई है टीम ड्रेस आप विद माई वाइट बेल की शूज ओवरऑल एक बहुत कम्प्लीट लुक दे रहा है विद वाइट पर्स एंड ऑल मैंने इसमें साथ जो है वो कैरी है तो या दिस इज वन वे टू स्टाइल मतलब लॉन्ग कुर्तीज व्हाइट स्किनी जींस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ओवरऑल आपने नीचे बिल्कुल टाइट पहना होता है ऊपर हम जब भी कुछ लूज सा या कोई फ्लोई सा पहनते हैं तो वो एक कंप्लीट लुक क्रिएट करता है Next is a very casual kind of a look. So loose round neck t-shirt works best. Here also I have tucked in the tee a little and added my black sling bag to complete the look. This look works best when you're going out casually with your friends or even to the market for shopping. नेक्स्ट लुक के लिए आई एम स्टाइलिंग द वाइट जींस विथ शॉर्ट कुर्तीज़ जैसे लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ स्टाइल किया है शॉर्ट भी अच्छी लगती हैं आई मीन नॉट टू शॉर्ट बट हाँ थाइस तक या मिड लेंथ तक भी कुर्तीज काफ़ी अच्छी लग सकती हैं आपकी स्किनी जीन्स के साथ सो फर्स्ट इज दिस वन एक्चुअली मैंने ना दो कुर्तीज़ ऑर्डर करी थी मीशो से अंडर 400 है बट कमाल की क्वालिटी है जैसे इस वाली कुर्ती का जो फैब्रिक है ना स्पेशली बहुत सॉफ्ट है दिस इज लाइक आई हैव ऑर्डर स्मॉल साइज और इसके आगे ना ये ऐसे प्ले टाइप की बनी हुई है जो बहुत सुंदर लुक देती है जैसे आप यहाँ वीडियो में देख भी सकते हो प्लस इसको मैंने टीम अप करा है अपनी ब्लैक फ्लैट के साथ तो एक कंफर्टेबल काइंड ऑफ लुक है जो आप इजीली कहीं पे भी जा सकते हो आप फैमिली आउटिंग के साथ जा रहे हो फैमिली आउटिंग पर जा रहे हो तो आप इस लुक को कैरी कर सकते हो और फॉर द सेकेंड कुर्ती जो मैं आपको दिखाती हूँ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रिटी ये ब्लैक कुर्ती है और इस पर यहाँ पे ऐसे ना एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ वर्क है और थोड़ा सा नेट में इसकी स्लीव्स वगैरह बनी हुई है तो फैब्रिक बहुत लाइट वेट है पहन के ना मतलब बहुत इसको कंफर्टेबल लगता है सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू स्टाइल योर वाइट जीन्स वैसे भी ब्लैक कलर है तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन मतलब ही होता है ओके सो दीज वर ऑल द स्टाइल्स विच आई क्रिएटेड ऑन वन जीन्स एंड आई होप आपको सारे के सारे लुक्स बहुत पसंद आए होंगे बाकी ऐसी और सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ओके बाय